खबर का रुख करेंगे। जन दर्शन यात्रा के तहत आज पृथ्वीपुर जाएंगे सीएम शिवराज, जनता की समस्याएं सुनकर मौके पर ही निराकरण करेंगे। तो प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान आज पृथ्वीपुर दौरे पर रहेंगे। इसके पहले सतना जिले में गए थे, जन दर्शन यात्रा वहां पर निकाली थी और आज पृथ्वीपुर दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। जनसभा को संबोधित भी सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। तो उनके साथ प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें, पृथ्वीपुर उपचुनाव क्षेत्र है जहां पर उपचुनाव होना है, विधानसभा सीट पृथ्वीपुर है जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में बेहद खास ये दौरा माना जा रहा है। इसके पहले भी वे सतना जिले गए थे, वहां पर कई विकास कार्यों को लेकर उन्होंने जानकारी भी ली, साथ ही साथ कई बड़ी सौगात भी उन्होंने सतना जिले को दी थी। और अब उनका पृथ्वीपुर दौरा ऐसे में कई मायनों में खास, क्योंकि उपचुनाव क्षेत्र है पृथ्वीपुर। तो जनता की समस्याएं इस दौरान वे सुनेंगे और मौके पर ही निराकरण करेंगे। हाल ही में हमने देखा था जब वे सतना जिले पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने जनता की समस्याएं सुनी थी और मौके पर ही कई अधिकारियों को मंच पर बुलाकर फटकार लगाई थी और लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण भी तत्काल किया गया था। और अब जन दर्शन यात्रा पृथ्वीपुर में निकाली जाएगी जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे, उनके साथ प्रभारी मंत्री अरविंद भदौरिया भी साथ मौजूद रहेंगे। कई मायनों में महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है क्योंकि उपचुनाव क्षेत्र है। तो ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता शरद व्यास फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, पृथ्वीपुर दौरा है आज सीएम शिवराज सिंह चौहान का, उपचुनाव क्षेत्र है, ऐसे में क्या कुछ खास रहने वाला है इस दौरे के दौरान? जनसभा भी आयोजित की गई है, जन दर्शन यात्रा निकाली जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हर दौरे जो होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं और ये दौरा भी कई मायने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दौरा उस सीट पर है जहां पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव भी ऐसी सीट है वो जिस पर कांग्रेस का एक छत्र राज माना जाता है पृथ्वीपुर पर। तो इसीलिए शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद जन दर्शन यात्रा करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इस दौरान कई स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक उनके साथ मौजूद रहेंगे और स्थानीय लोग भी उनके साथ मौजूद होते हुए नजर आएंगे। तो ये कार्यक्रम तकरीबन दोपहर के बाद ये कार्यक्रम होगा और दोपहर के बाद इस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे। देखिए, उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर होने हैं, तो उसी के चलते ये जो दौरे लगातार हो रहे हैं तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि अब शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कमर कस ली गई है और अब किसी भी क्षेत्र को या किसी भी ऐसी सीट को वो चूक नहीं करना चाहते जहां पर जिस तरह की चूक पिछली बार हुई थी, इसलिए वो हर सीट पर बकायदा जा रहे हैं। हालांकि शिवराज सिंह चौहान देखिए ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह जाते हैं, वो चाहे चुनाव की सीट हो या ना हो, लेकिन वो हर जगह पहुंचते हैं, वहां की जनता से मुलाकात करते हैं, मिलते हैं, सभाएं संबोधित करते हैं और वहां पर जो भी जीर्णोद्धार विकास के कार्य होते हैं उसका लोकार्पण भी करते हैं। तो पृथ्वीपुर में भी इस तरह की चीज देखने को मिल सकती है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया शरद व्यास जी तमाम जानकारी के लिए। तो आज पृथ्वीपुर दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। जैसे कि 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है, उसमें से 1 विधानसभा सीट पृथ्वीपुर भी है। ऐसे में कई मायनों में महत्वपूर्ण दौरा देखा जा रहा है। हालांकि सीएम शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचेंगे, जन दर्शन यात्रा निकाली जाएगी, जनसभा को संबोधित करेंगे और लोगों की समस्याएं सुनकर निराकरण भी इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे।